बीते 14 जून की रात बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी मनहूस रात बनी, क्योंकि इस रात बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं पूरे देश दुनिया ने एक ऐसा सितारा खोया जिसकी चेहरे की हंसी, आंखों की चमचमाहट हमेशा लोगों को आगे बढ़ना सिखाती थी, कई युवाओं के लिए इंस्पिरेशन थे। 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिनका गुजर जाना इस तारीख को मनहूस तारीख बना गया। 14 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद जो पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी, उसे पूरी दुनिया भर के कई देशों में सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की मांग का सवाल खड़ा हुआ। जब जांच शुरू हुई, पता चला कि कई ऐसी बातें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत सालों से दबा कर रखे थे, दर्द में थे वो। किसी ने नेपोटिज्म मामला को सामने लाकर रखा, किसी ने ड्रग मामला, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम बार उनके कमरे में जाकर देखने वाले और अंतिम बार उन्हें देखने वाले उनके ही रूममेट सिद्धार्थ पिठानी, जो कि पिछले 9 महीने से छुपा रहे थे जांच एजेंसियों से अपना सच, आज आकर उनका सच खुल गया है। जी हाँ, सच ये है कि सिद्धार्थ पिठानी जो पीते 9 महीने से सच्चाई छुपा कर रखे थे, जब एनसीबी ने उन्हें समन भेजा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ड्रग मामले में उनके खिलाफ होने वाले पुख्ता सबूत की वजह से समन भेजा, तो फिर सिद्धार्थ पिठानी रिस्पॉन्स देने के बजाय इधर उधर भटकते रहे। हैदराबाद में जाकर जिन्हें गिरफ्तार बीते वीक किया गया है, उस सिद्धार्थ पिठानी के बारे में राज खुला है कि दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उन्होंने एक नया अकाउंट बनाकर अपनी एंगेजमेंट की तस्वीरें, फिटनेस की तस्वीरें, वर्कआउट की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी थी। पुराना अकाउंट वो यूज़ नहीं कर रहे थे और इंस्टा पर एक्टिव होने की वजह से जांच एजेंसियों की नज़र में वो आए और फिर उनका पता लगाया गया, तो हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब रिमांड होम में है वो, और इसके बाद केशव और नीरज सुशांत के जो दो नौकर हैं उनसे भी पूछताछ के लिए उन्हें भी समन किया गया है। कहा जा रहा है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो हैं समीर वानखेड़े ने बताया है खुद से ही कि सिद्धार्थ पिठानी 9 महीने से जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे सिद्धार्थ, क्यों आखिर वो सच से दूर भाग रहे थे, सुशांत मामले में जांच के लिए मदद क्यों नहीं कर रहे थे वो जांच एजेंसियों की टीम को, अब इस सवाल का जवाब सिद्धार्थ को देना है जो कि फिलहाल एनसीबी की कैद में है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।